नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुणा राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करते आए हैं जुडिशियल के एग्जाम की। आज मैं हम जुडिशियल के एग्जाम की बात करेंगे, लेकिन जुडिशियल से साथ साथ आज हम कुछ और बातें भी करेंगे। हम नेट के एग्जाम की भी बात करेंगे। आज उत्तराखंड जुडिशियल तो है ही है, यूपी जुडिशियल भी है ही है, उसके साथ ही साथ LLB 3 ईयर्स और LLB 5 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बात करेंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए वैसे बहुत इजी है, वैसे बहुत अजीब भी है। आपको लगता पढ़ूं या नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, अदर ऑप्शन नहीं है। अब उसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें मैंने काफी दिनों तक सोचा कि क्योंकि समय नहीं होता मेरे पास ना, मैंने कहा नहीं यार एक लंबी सीरीज चलाते हैं आप लोगों के लिए। एक ऐसा सबजेक्ट है जो आपको LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में से एक में आता है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है। किसी में इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ईयर में आता है, किसी में सेकंड ईयर में, किसी में फाइनल ईयर। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरनेशनल लॉ आता है कि बहुत बड़ा होता है, कैसे इसको करें। साथ ही साथ उत्तराखंड जुडिशियल के अंदर और साथ ही साथ अपने यूपी जुडिशियल में भी इंटरनेशनल लॉ आता है, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अब पढ़े कैसे, इसके लिए कोई बैरेक्ट है? हाँ जी, इसके लिए बैरेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक टॉपिक के लिए आता है, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए एक बैरेक्ट आता है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी सबके लिए थ्योरी है। देखिए हमारे पास दो तरह के लॉ होता है, एक होता कोडिफाई, एक होता अनकोडिफाई लॉ। ठीक वैसे इंटरनेशनल लॉ हमारे पास कोडिफाई और अनकोडिफाई दोनों रूप में देखने को मिलता है। अनकोडिफाई लॉ का मीनिंग होता है जो थ्योरी बेस्ड होता है ना, और क्या बोलते हैं, कोडिफाई का मतलब जिसमें सेक्शन और आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अक्सर मैं बताती हूँ कि दो सुपीरियर लॉ है हमारे पास, एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक होता है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ। इन दोनों में आर्टिकल बताए गए हैं, सेक्शन नहीं आर्टिकल है। साथ ही साथ जब 3 ईयर जुडिशियल LLB की मैं बात करती हूँ 3 ईयर की, तो इंटरनेशनल लॉ में जो कि 5th यूनिट होती है ह्यूमन राइट्स भी होता है। तो कोशिश करूंगी कि मैं आपको ह्यूमन राइट्स के भी दो या तीन क्वेश्चन तैयार करवा दूं जो आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो ये जो वीडियो है आज का वो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, और ये वीडियो है जो उत्तराखंड और यूपी जुडिशियल के लिए प्लस नेट के एग्जाम के लिए भी। इसमें हम इतना पढ़ाएंगे आपको कि आपने कॉलेज के एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चन आंसर करके आ सको, उत्तराखंड और यूपी की जुडिशियल अच्छे से प्री के कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, उत्तराखंड के मेन में भी इंटरनेशनल आता है, और साथ ही 5 ईयर और 3 ईयर के लिए क्या बोलते हैं एक छोटा सा की बुक कहते हैं जिसको कुंजी, वो साबित होगा। तो कोशिश करूंगी कि मैं पूरे के पूरे 21 चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी 1 बाय 1। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मैं जो यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी वो होगा उस पूरे चैप्टर का कहानी क्या है, उस पूरे चैप्टर के अंदर डायग्राम बनाऊंगी कि भाई ये टेबलेट फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखकर आना है, और आपको उसका डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बुक खरीदनी पड़ेगी आपको, क्योंकि डिटेल इतना सारा तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। तो डिटेल के लिए आपको एक बुक लानी है, अगर वो बुक आप ले आएंगे, क्योंकि आपकी मेरी बुक कॉमन हो जाएगी, तो उसका जिस्ट मैं आपको दे दूंगी, उसका डायग्राम मैं आपको दे दूंगी, टेबलेट फॉर्म मैं आपको बना के दे दूंगी, और साथ ही साथ उसका आंसर कैसे फ्रेम करना वो मैं आपको बता दूंगी। फिर उसका जो एक रीडिंग है वो आपको बुक से करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप सबको SK कपूर की बुक लानी है। ये SK कपूर की जो बुक है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो यही आपको लानी है। जो वीडियोस में आपको बताऊंगी उससे आप शॉर्ट नोट बनाते जाइएगा, और वो आपके लिए छोटा सा की यानी कुंजी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि SK कपूर जी की बुक को देखते ही कई बार तो बहुत डर लगता है, जब आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जब इश्यू होती है इंटरनेशनल लॉ की बुक, आप देखते हैं ये बुक एक रात में कैसे करूंगा। फिर इसके लिए हम कुंजी ढूंढते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर बुक ढूंढते हैं, सब जगह अलग अलग चलती है, दिल्ली के अंदर डुकी से पढ़ते हैं, है ना, वही अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो राजस्थान के अंदर बाबेल्स के नाम से जानी जाती है कि बाबेल जी की गाड़ी आती है, तो ये आपको हेल्प करते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा नॉलेज भी मिल जाएगा और आपको पूरे डायग्राम फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो उसके लिए मेरे पूरे 21 चैप्टर्स की सीरीज चलेगी, ठीक है। बट मैं फिर से कहूंगी कि मैं आपको शॉर्ट में वो दूंगी, एक बार रीडिंग करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए लानी होगी। अगर ये आप ले आओगे तो नेट का एग्जाम आपके लिए इंटरनेशनल लॉ को लेके कई बार रुक जाता है, वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड यूपी जुडिशियल के आपके प्री के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, इवन तो उत्तराखंड के मेन एग्जाम के लिए भी काफी सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, और LLB वालों आपके तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म ही आएगा आपके, ठीक है। अब अदर्स में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे जो मोस्ट ऑफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन क्लोज पढ़ेंगे, क्या आखिर डेफिनेशन है, क्या इंटरनेशनल लॉ है, क्या ओपेनहाइम क्या कहता है, जेरवी बेंथम क्या कहता है, कहां से निकल के आया, किसने इसकी पहल की और कहां तक ये जाएगा। इंटरनेशनल लॉ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अगर हम बात करें रामायण के, तो रामायण के जमाने से चला रहा है, जब हमारे हनुमान जी गए थे श्रीलंका एम्बेसडर बनकर, है ना, तो ये वहां से चला रहा, आज से नहीं है। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती है। इंटरनेशनल लॉ तो स्टेट के बीच की बात करता है,
कुछ ही ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर हम जो पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं, बाकी सभी जगह पे स्टेट को स्टेट टू स्टेट काम चलता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। अब इसमें कहां से कहां तक नहीं है, ये चैप्टर्स पढ़ेंगे इसके साथ टेबलेट फॉर्म के साथ। देन हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल के सोर्सेज क्या है। जब भी आपके दिमाग में सोर्सेज आए, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हो, चाहे वो हिंदू लॉ के सोर्सेज हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हो, सोर्सेज में हमेशा पहला सोर्सेज कस्टम और यूजेज चलता रहता है ना। फिर सोर्सेज हम ढंग से देखें तो एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, इसके अंदर हमारे पास प्रेसिडेंट्स जो जजमेंट्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेज हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज होगी, इंटरनेशनल कन्वेंशन होंगे, तो उन सबके बारे में धीरे धीरे डिटेल में चलते जाएंगे। देन हम चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। किसी भी स्टेट को इंटरनेशनल लॉ का मेंबर होने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए चार चीजों का होना जरूरी होता है। उसका खुद का एक टेरिटरी होना चाहिए, सर्टन टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी अपनी सोवरेनिटी होनी चाहिए, उसकी अपनी जनता का सपोर्ट होना चाहिए। जब ये सब चीजें होता है तब वो एक नेशन बन जाता है। हाँ, एक और चीज, जैसे कि इंडिया वैसे तो एक कंट्री है, अमेरिका एक कंट्री है, लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उस इंटरनेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज के लिए इंडिया एक स्टेट है, ये सारे के सारे स्टेट है। और वैसे हमें क्या पता कि इंडिया एक कंट्री है और कंट्री के अंदर राजस्थान एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, एमपी एक स्टेट है, बिल्कुल सही है हम। लेकिन जब इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो इंडिया एक स्टेट है और अमेरिका एक स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है, जो है ना, तो वो अलग अलग बन जाते हैं वहां पर आके। फिर आता है हमारे पास, फिर चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम स्टेट सक्सेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? स्टेट सक्सेशन, राज्य उत्तराधिकार पढ़ेंगे, फिर इंटरवेंशन, आपको बताइए इंटरफेयर जिसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, दिस स्टेट का अपना जुरिस्डिक्शन क्या होगा वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे आप राज्य क्षेत्र प्राप्त करते, कैसे खोते, युद्ध करके या निकाल के, एक्स वाई जेड जैसे वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एक चैप्टर जो एलएलबी के एग्जाम में आता है कि समुद्री लॉ के बारे में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, वो देखेंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल, एक तो इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल कोर्ट, एक हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, क्या उनके पास जुरिस्डिक्शन है क्रिमिनल मैटर को लेके। देखो इंटरनेशनल लॉ लॉ है या नहीं, इसको लेके हमेशा एक चर्चा बना रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोर्ट है तो स्टेट को पनिशमेंट कैसे देगा, स्टेट को पनिशमेंट कैसे देगा, पॉसिबल ही नहीं स्टेट को पनिशमेंट देना, तो इसको लेके हमेशा चर्चा रहती है। क्या ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है या नहीं है, कैसे है, कैसे करेंगे, क्योंकि हम किसी स्टेट को जेल में नहीं डाल सकते, यहाँ पे सिर्फ कंपनसेशन लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे सिर्फ कंपनसेशन इम्पोज हो सकता है, डैमेजेस इम्पोज हो सकता है, लेकिन कैसे इसको जेल में डालेंगे ये तो पॉसिबल नहीं। जेल तो हमेशा मनुष्य जाता है, ह्यूमन जाता है, स्टेट कैसे जाएगा, तो इस पर हमेशा लड़ाई होती है। तो आपका क्वेश्चन भी आता है इंटरनेशनल लॉ लॉ है या नहीं है, तो कुछ लोग कहते लॉ है, कुछ कहते नहीं है, कहते ना ऑस्टिन का संप्रभु का आदेश, वो बताता है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट, फिर नेशनलिटी क्या होगी। एक तो हम सिटीजन मिलती है, हमारी राष्ट्रीयता वो तो है ही है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको नेशनलिटी कैसे मिलेगी उसके बारे में देखेंगे। देन आता है एक्सट्राडिक्शन ट्रीटीज, इसके बारे में देखने को बहुत सी जगह पे मिलता है। अगर मैं बात करती हूँ आपके सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का जब सेक्शन 41 पढ़ोगे तभी इसकी चर्चा आती है। तो इसके बारे हम कई बार कहते हैं याद है इंटरनेशनल लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था, तो सेक्शन 41 में इसकी चर्चा पढ़ते हैं, सेक्शन 105 में इसकी चर्चा पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल ट्रीटीज करते हैं वहां पर इसकी चर्चा पढ़ते हैं। देन असाइलम, किसी को सहारा देना, हम लोग पढ़ते हैं हार्बरिंग, उसमें भी संस्कृत देना, और इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं असाइलम, किसी देश की बदले राजनीतिक असाइलम होती है कि वहां से पॉलिटिक्स में कुछ झगड़े हुए हैं तो हमारे पास आके हैं, तो हमें उसको असाइलम देना है कि नहीं, क्योंकि देना भी कई बार हानिकारक हो जाता है। ये हम यहाँ रहने की जगह दे सकते हैं, उनको वेपन्स दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं, किसी भी रूप में इसको किया जा सकता है। देन आता है हमारे पास डिप्लोमेटिक एजेंट मिलाने पड़ेंगे, इसका अपना एक टॉपिक बनता है। देन आता है इंटरनेशनल ट्रीटीज, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटीज होती है, एक लॉ से पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटीज होती है, फिर आगे जाकर को डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करके सुंदर सा टेबलेट फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। और देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर बहुत सारे इसके खुद के पार्ट्स हैं, लाइक महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, न्यायधारिता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो आप सबका फेवरेट है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ढंग से पढ़ लो तो आपके नेट के कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और यूपी जुडिशरी के प्री के भी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देन आते हैं हमारे पास वॉर क्राइम, ये सिर्फ एलएलबी फाइनल ईयर के जो सॉरी एलएलबी थ्री ईयर के स्टूडेंट उनके क्वेश्चन बनता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। फिर आता है जनवर, ये भी कॉलेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। फिर आता है आपके पास न्यूट्रलिटी, ये उत्तराखंड का मेन एग्जाम में भी आता है और साथ साथ कॉलेज में भी आता है, तटस्थ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन आता है आपके पास नाकाबंदी, कॉलेज के एग्जाम के लिए आता है, उसके लिए पढ़ेंगे। और देन आता है प्राइस कोड, ये भी कॉलेज के एग्जाम के लिए आते हैं। जब हम एलएलबी में थे तो इंटरनेशनल लॉ सच्ची एसके कपूर की बुक से डर लगता था, लेकिन पढ़ के पूरे जाते थे, एग्जाम का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता था एलएलबी के अंदर जो हम नहीं करके जाते थे। एलएलबी जब हमने किए थे तो हमने पूरे अच्छे से स्टडी की, बुक से पढ़ते थे,
हम लोगों का मार्च में एग्जाम होता था एलएलबी का, तो नवंबर में कार्तिक का महीना आता है, अक्टूबर नवंबर में। तो कार्तिक के महीने में हम लोग जैसे गांव से बिलोंग करते ना, तो शुरू से आदत है सुबह जल्दी उठना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। तो कार्तिक के महीने से हम लोग सुबह 4 o'clock उठना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे रूटीन ही हमारा 4 o'clock है। आपकी उर्मिला मैम का रूटीन तो 3 बजे का है, और जब से धनुष हुआ है तो रूटीन ऐसा हो गया पूरी रात उठो या पूरी रात सो वाली बात चलती है। तो ये रूटीन थोड़ा सा जब धनुष 1 साल तक हो जाएगा फिर से आ जाएगा लाइन पर। तो सुबह जल्दी हम लोग उठ जाते थे, उठ के नहा धो के पूजा पाठ करते, मंदिर वंदिर जाके वापस आके पढ़ने बैठ जाते थे। तो नवंबर से लेके मार्च तक पढ़ते थे हम लोग कि भाई हाँ हमें यही पढ़ना। तो हम लोग हमेशा बुक से पढ़ते थे, बुक्स के साथ। हमारे राजस्थान में पहले एक अजय पासबुक आती थी, वो भी हम रखते थे अपने साथ में। पहले गोल्डन सीरीज आया करती थी, अब तो वो भी बंद होगी, वो भी हम रखते थे। बाबेल जी तो अब आने लगे, हमारे टाइम पे बाबेल जी नहीं थे, हमारे टाइम अजय पासबुक होती थी और साथ में अजय पासबुक काफी, बाबेल जी तो वो छोटे से आते, अजय पासबुक भी काफी बड़ी हुआ करती थी। बट एस के कपूर की बुक हमेशा हमारे पास होती थी। जुरिस्प्रूडेंस की बात करो तो परांजपे से पढ़ते थे। जल्दी ही जुरिस्प्रूडेंस को लेकर भी आऊंगी, थोड़ा समय निकालूंगी, पहले इंटरनेशनल को खत्म करेंगे फिर जुरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करेंगे। इस बीच समय मिला तो जुरिस्प्रूडेंस भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है। कई बार नेट का एग्जाम लॉ स्टूडेंट के लिए इसलिए क्लियर होता है, जूरिस और इंटरनेशनल बहुत खतरनाक उनकी स्थिति ला के रख देता है। तो सुबह से हम लोग पढ़ लेते, तो ऐसे हम लोगों ने बुक से पढ़ी। आप में से कई स्टूडेंट जो रात को पढ़ के सुबह एग्जाम देते हैं, ऐसे तो हमें आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय जो हमने इतना डिटेल पढ़ा आज वो हमारे बहुत काम आ रहा है, क्योंकि अगर उस समय डिटेल नहीं पढ़ते तो आज जो मैं क्लास में इतना बता पाती हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता मेरे पास। कई एक्सपीरियंस तो ना प्रैक्टिकली होते हैं मेरे पास, देखो इसमें ऐसा हुआ था मेरे साथ, अभी ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जब इतनी सारी चीजें मुझे इतने सालों से देख के आ रहा है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि अच्छा उन्होंने इसलिए दी कि एक दिन आप सबके साथ मुझे उन सबको शेयर करना है। और जब वो नॉलेज का मेरे पास एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली नहीं होता तो उतना बढ़िया से मैं आपको नहीं पढ़ा पाती। तो जब भी लाइफ में कुछ होता अच्छा ही होता। कई बार जब जुडिशरी में सिलेक्शन ही हुआ था तो लगता भगवान क्या है, सिलेक्शन ही नहीं करवाते, इतना तो पढ़ के जाती हूँ। लेकिन जब कोचिंग चलाया, यूट्यूब पर आई, आप सबसे मुलाकात हुई, तो लगा अच्छा इसके लिए रखा हुआ था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो जज बनना था। और हाँ, आज आप सबको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारा परिवार 85,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये सब आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग और मोटिवेशन ही है। आप मोटिवेट करते रहिएगा ताकि इंटरनेशनल पूरा करा पाऊंगे, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन पॉसिबल ही नहीं इंटरनेशनल को कंप्लीट करना। तो जैसे जैसे वीडियोज आते रहेंगे आप मोटिवेट करना मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी, ताकि नेक्स्ट करते करते पूरे 21 वीडियो बन जाए। इसके अंदर दिन कोई ऐसा होगा टॉपिक जो आपके एग्जाम में बार बार आता है जिसमें मैंने लिखना छोड़ दिया, तो वो भी मैं कवर कराऊंगी। तो बस इसको पढ़ने से सबसे पहले आपको आज ही मार्केट जाइए और इंटरनेशनल लॉ की बुक ले आइए, और वो है एसके कपूर। हालांकि अभी कॉलेज में भी इश्यू करवाते हैं तो कॉलेज से भी आप ले सकते हैं। और मैं ये नहीं कहती उत्तराखंड वालों को अभी पूरा कंप्लीट कोर्स करा दूंगी, अभी तो आपके एग्जाम आ गए मार्च में, लेकिन हाँ काम ही आएगा लाइफ में, जब भी पढ़ते रहेंगे नए जो बच्चे आ रहे उनके काम आएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ। तो बहुत अच्छा सा है, थोड़ा सा क्लिष्ट है क्योंकि अनकोडिफाई है, बड़ा है। इंग्लिश में पढ़ाऊंगी क्योंकि पहले मैंने बताया मुझे पूरी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी मीडियम से हूँ। बट हाँ, कंटेंट आपके मैं प्रोसेस करूंगी कि इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश में दूं, हिंदी वालों को मैं हिंदी में दूं, और मैं जो क्या बोलते कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में करेंगे। तो बस तैयार हो जाइए इंटरनेशनल लॉ के साथ। आज के लिए धन्यवाद, जल्दी आते सेकेंड वीडियो के साथ।